मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे बैठे, अरे आपका प्रश्न में नहीं बोलते हैं, प्रश्नकाल में नहीं बोलते हैं, प्रश्नकाल में बैठिए, अन्य नियमों की तरह आइए, आपको अनुमति मिल जाएगी। अरे बैठिए, आपको नहीं पुकारा है, आपको अनुमति नहीं दी है, आपको भी अनुमति नहीं है। बैठो। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक जी नहीं, प्रदेश में प्रत्येक जिला चिकित्सालय। अनुमति नहीं है माननीय सदस्य, छह बार के विधायक हो आप, अरे आप छह बार के विधायक हो, आप नियमों को मेरे से ज्यादा जानते हो। बैठिए, आप बैठिए, अंकित नहीं हो रहा है, फालतू में बोल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक जी नहीं, प्रदेश में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में राज्य में कुल 42 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थित हैं, जिनमें से 24 जिला चिकित्सालय, 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं 2 उप जिला चिकित्सालय में ये सेंटर स्थित हैं। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, भारत सरकार द्वारा अधिक प्रसव भार वाली चिकित्सा संस्थानों पर जहां मैटरनिटी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 70% से अधिक होने पर मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अतिरिक्त 50 से 100 बेड के MCH विंग निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा का प्रसव और अनुसार मैटरनिटी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 48.44% है, जो कि मैटरनिटी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 70% से कम होने के कारण जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया जाना विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लिस्ट आपने दी और उसके अलावा भी जो जिला चिकित्सालय में शिशु केंद्र जो खोल रखे हैं आपने, मात्र शिशु केंद्र, क्या उसमें ऑक्यूपेंसी उतनी है, कहीं में कम भी है, वहाँ भी खोले गए हैं, नंबर वन। साथ ही मैं जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हम जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, तो आप वो शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो, तो इसके बारे में सीरियसली तो सरकार के बारे में क्या विचार करती है? हम स्कूल खुलाने जाए तो आपके तो संख्या इतनी होनी चाहिए बच्चों की, हम अगर सड़क बनाने जाए तो 2000 की आबादी होनी चाहिए, हम हॉस्पिटल खोलने जाए तो इतनी आबादी होनी चाहिए, ऑक्यूपेंसी हम कम कर रहे हैं, जनसंख्या कम कर रहे हैं, तो आप शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो, तो क्या मंत्री महोदय जनसंख्या जहाँ नियंत्रण कर रहे हैं वहाँ खोलने का विचार है कि नहीं है? माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है, मैंने नॉर्म्स के अनुसार बोला है, तो आप फरमा रहे कि भाई कई हॉस्पिटल हैं जहाँ 70% से कम हैं, उसकी पूरी जांच की जाएगी और आपके जो DH आपका निम्बाहेड़ा में है वहाँ पर अभी आपके जो है करीबन 2 करोड़ का अभी रिपेयर मेंटेनेंस काम भी हो रहा है और 31 करोड़ का जो है आपका जो PIP के थ्रू 100 बेड का एक नया विंग की भी एक प्रस्तावित है इसमें। अगला, हाँ आप बोलिए। होंगे, मैं तो एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ, कितने ऐसे प्रकरण हैं जो आपके नियम पूरे कर रहे हैं 70% के, उसके बाद वहाँ शिशु ये नहीं बने हैं शिशु चिकित्सालय, और कितने ऐसे हैं जो नियम से कम में भी बनाए गए हैं, उनकी संख्या बताएं। प्रश्न निम्बाहेड़ा का ही है, यही नहीं प्रदेश का है। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो है प्रश्नकर्ता पूछ चुके हैं और मैंने कहा कि उन्होंने उनको संदेह है कि भाई जो 70% से कई हॉस्पिटल्स में हैं, अब ये कब कब बने, आपकी सरकार में भी बन सकते होंगे, किसका कार्यकाल था हमें मालूम नहीं है, इसकी मैं जांच करके इसका पूरा जो है डिटेल्स लाके माननीय प्रतिपक्ष को भी दे दूंगा और माननीय प्रश्नकर्ता को भी दे दूंगा। श्री कह रहे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि नियमों से कम में पहले बने तो निम्बाहेड़ा को बना दो। निम्बाहेड़ा के बारे में विचार करना आप। श्री संदीप शर्मा, मंत्री महोदय एक बार आश्वासन तो दीजिए ना, आपके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। उत्तर पड़ा हुआ माना जाए माननीय अध्यक्ष।